आज की वीडियो में मैं आपको समीज की कटिंग एंड स्टिचिंग करने का बिल्कुल नया और सबसे आसान तरीका सिखाऊंगी। आप इस वीडियो को देखकर बड़ी ही आसानी से अपने घर पे समीज बनाना सीख सकते हो और अपने घर पे समीज बना सकते हो। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। समीज बनाने के लिए मैंने ये 1 मीटर कपड़ा लिया है, इसे आपको इस तरह से डबल में फोल्ड कर देना है। ये देखिए, ये दो खुदीते हैं और ये दो बंद। इसी तरह से आपको कपड़े को फोल्ड करना है। फिर आपको इसे जिस साइज़ का बनाना है, आपको उस साइज़ की एक समीज लेनी है। इस समीज को आपको बिल्कुल स्टार करके कपड़े के ऊपर रखना है। जिस तरह से मैं इसे बिल्कुल स्टार करके कपड़े के ऊपर रख रही हूँ, सेम इसी तरह से आपको इसे रखना है। फिर जिस तरह से मैं आपको निशान लगा के दिखा रही हूँ, सेम आपको इसी तरह से निशान लगा देने हैं। तो हमने इसकी फिटिंग के निशान तो लगा दिए हैं, अब हमें इसके अंदर मार्जिन के निशान लगाने हैं। तो आपको ये जो इसके आर्म होल हैं, यहाँ से आपको आधे इंच के करीब लेना है और आधे इंच के करीब लेके आपको इस तरह से चौक की मदद से निशान लगा देना है, क्योंकि ये हमारा सिलाई में चला जाएगा। फिर आपको यहाँ पर फिटिंग की तरफ से 1 इंच नापना है और 1 इंची पर आपको निशान लगाना है। इसी तरह आपको पूरे में निशान लगाना है। फिर आपको निशानों को मिला देना है। यहाँ पे आपको आधे इंच का मार्जिन लेना है जो इसका शोल्डर है, और गले में भी आपको आधे इंच का मार्जिन लेते हुए चौक से निशान लगाना है, क्योंकि जब हम इसका गला तैयार करेंगे तो आधा इंच कपड़ा हमारा फोल्ड करने में चला जाएगा। अगर आपको इतनी ही लंबाई रखनी है तो आप इसके नीचे एक निशान लगाएं सीधा, जितनी समीज की लंबाई है, और इसके अंदर 1 इंच का मार्जिन ले लें सिलाई के लिए। पर मुझे इसकी लंबाई बढ़ानी है, तो मैं जो इसकी लंबाई रखूँगी वो मैं 24 इंच रखूँगी। तो मैंने यहाँ पे 24 इंच पे टिक करा है और यहाँ से भी मैं 24 इंच नापूँगी। और फिर इस निशान को आपको मिला देना है। तो 24 इंच की लंबाई तो मुझे तैयार चाहिए। फिर आपको उसके अंदर 1 इंच का मार्जिन लेना है सिलाई के लिए। फिर आपको इस समीज को हटा देना है और आपको इन निशानों पे इसकी कटिंग कर देनी है। हमारी समीज की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद में आपको उसके शोल्डर आपस में अटैच करने हैं। तो आपको उसके अंदर यहाँ से लेके यहाँ और यहाँ से लेके यहाँ आपको उसके अंदर सिलाई लगा देनी है और उसके शोल्डर आपको आपस में अटैच कर देने हैं। मैंने इसके दोनों शोल्डर आपस में अटैच कर दिए हैं। शोल्डर अटैच करने के बाद आपको ये जो इसके आर्म होल हैं, इसके अंदर आपको सबसे पहले कट लगाना है। इस तरह से आपको थोड़े से कपड़े के अंदर कट लगाना है और पूरे आर्म होल के अंदर इसी तरह से आपको कट लगाना है।
आपको इस तरह से कपड़े को फोल्ड करना है, फिर आपको इसे डबल में करना है, उसके ऊपर आपको सिलाई लगानी है, फिर इसी तरह से फोल्ड करना है, उसके ऊपर आपको सिलाई लगानी है, इसी तरह से आपको जो उसका आर्म होल है इसे फोल्ड करना है और उसके ऊपर आपको सिलाई लगानी है, इसी तरह से जो दूसरा वाला आर्म होल है उसके अंदर भी पहले आपको कट लगाने हैं और फिर इसी तरह से फोल्ड करके उसके ऊपर भी आपको सिलाई लगानी है। मैंने इसके आर्म होल दोनों तरफ के फोल्ड कर दिए हैं। उसके बाद में ये जो इसका गला है इसके अंदर भी आपको इसी तरह से कट लगाने हैं। कट लगाने के बाद आपको यहाँ से इसे फोल्ड करना स्टार्ट करना है, थोड़े से कपड़े को फोल्ड करना है, फिर आपको डबल में करना है, उसके ऊपर आपको सिलाई लगा देनी है, फिर इसी तरह से फोल्ड करना है, उस पर आपको सिलाई लगा देनी है, इसी तरह से आपको इसका पूरा गला फोल्ड करना है, उसके ऊपर आपको सिलाई लगा देनी है। तो मैंने इसके पूरे गले के ऊपर सिलाई लगा दी है। सिलाई लगाने के बाद आपको इसकी फिटिंग करनी है। तो आपको इसकी फिटिंग करने के लिए जो हमने कटिंग के वक्त निशान लगाए थे इन निशानों को आपको गहरा कर देना है, और ये जो इसके हिप का निशान है यहाँ से आपको इसे इस तरह से पकड़ना है और इसके अंदर आपको कट लगा देने हैं। इसी तरह से यहाँ से इसे पकड़ना है और इसके अंदर कट लगा देना है। आपको यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लानी है हिप वाले निशान तक, और यहाँ से वापस ले जानी है, फिर आपको यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लानी है और यहाँ से आपको वापस ले जानी है। तो मैंने इसकी फिटिंग की सिलाई लगा दी है। उसके बाद में ये जो इसके चाक हैं आपको इन्हें फोल्ड करना है। पहले आपको थोड़े से कपड़े को फोल्ड करना है, फिर आपको इसे डबल में करना है, उसके ऊपर आपको सिलाई लगा देनी है। आपको सिलाई को यहाँ तक लाना है दूसरी तरफ, और यहाँ से भी आपको कपड़े को इसी तरह से फोल्ड करना है और सिलाई लगानी है, फिर आपको सिलाई को नीचे तक ले जाना है। इसी तरह से आपको दूसरी तरफ के चाक भी फोल्ड करने हैं और इस पर आपको सिलाई लगानी है। मैंने इसके दोनों तरफ के चाक फोल्ड कर दिए हैं। चाक फोल्ड करने के बाद आपको इसका घेरा फोल्ड करना है। इसी तरह से आपको दूसरा वाला घेरा भी इसका फोल्ड करना है। हमारी समीज बनके बिल्कुल तैयार हो चुकी है। आप इसे बड़ी ही आसानी से बना सकते हैं।
अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए इसी तरीके की वीडियो लाते रहेंगे।